अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे मैच के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारी सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है और इस दौरे पर भारतीय टीम को 5 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। वनडे सीरीज का पहला मैच भारत ने 8 विकेट से जीत लिया है और इस जीत के साथ भारतीय टीम 5 वनडे मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना चुकी है। दोस्तों, वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि यह दूसरा वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा तो यह मुकाबला 26 जनवरी को खेला जाएगा। इस मुकाबले को न्यूजीलैंड के माउंट मैंगानुई में खेला जाएगा और दोस्तों, आप लोग इस मैच का लाइव प्रसारण अपने टीवी स्क्रीन के सामने 7:30 से देख पाएंगे। दोस्तों, वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि दूसरे वनडे मैच के लिए कौन सी भारतीय टीम होने वाली है उसके बारे में, लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को पहले बताना चाहेंगे, दोस्तों अगर हम दूसरे वेबसाइट की रिपोर्टें माने तो खबर यह निकल के आ रही है कि हो सकता है कि दूसरे वनडे मैच में शिखर धवन को आराम दे दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले शिखर धवन को बाहर किया जा सकता है। दोस्तों, और जो कारण निकल के आता है वो यह है कि धवन काफी समय से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और ऐसे में उन्हें दूसरे वनडे से आराम दिया जा सकता है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि उनकी जगह पर किसकी वापसी होगी टीम में, तो हो सकता है कि उनकी जगह पर शुभमन गिल को मौका दिया जा सकता है। अगर गिल को दूसरा वनडे मैच खेलने का मौका मिल जाता है तो वह उनका पहला डेब्यू मैच होगा। तो दोस्तों, देखना तो यही होगा कि शिखर धवन दूसरे वनडे मैच में खेलते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, अगर शिखर धवन दूसरे वनडे मैच में नहीं खेलते हैं तो टीम कुछ इस प्रकार से हो सकती है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद। और दोस्तों, अगर शिखर धवन खेलते हैं दूसरे वनडे मैच में तो टीम इस प्रकार से होगी। शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद। तो दोस्तों, आप लोग हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या दूसरे वनडे मैच में शिखर धवन को खिलाना चाहिए मैच के अंदर या फिर नहीं। और दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी को लाइक कीजिए, अपने सभी क्रिकेट पसंदीदा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।